लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों को लेकर यूनिवर्सिटी के ओएसडी राजेश पांडे से हमारे संवाददाता शिखर त्रिवेदी ने बातचीत की। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की पहचान है, देश दुनिया में इसका नाम है और उत्तर प्रदेश के लोगों की तो जान यहां पर बसती है, क्योंकि सबसे बेहतर और भरोसेमंद इलाज की उम्मीद इसी यूनिवर्सिटी में होती है। हमारे साथ इस समय केजीएमयू के वाइस चांसलर के ओएसडी राजेश पांडे जी हैं, जो पूर्व में भारतीय वायुसेना को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रदेश भर से, देश भर से इस मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पेशेंट्स आते हैं। अक्सर उनकी शिकायत ये हो जाती है कि हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिला या हमें वो सहूलियत नहीं मिली जो दरअसल उम्मीद के साथ हम आए थे। ऐसा है कि हमारे यहाँ रोज़ 5,000 मरीज आते हैं और 5,000 मरीजों में 4,995 मरीजों को कोई शिकायत नहीं होती है। सिर्फ 5 लोगों को शिकायत होती है, जो कि 0.1% है। वो भी 5 लोग वो शिकायतकर्ता होते हैं जो किसी माननीय के पैरवी से आए होते हैं। अगर मान लीजिए किसी माननीय ने हमारे माननीय कुलपति या CMS या MS को फ़ोन करके उनको ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हम इसका संदर्भ ये होता है कि हम उनको OPD स्लॉट खाली नहीं है तो उनको स्लॉट दिला दें, जिस दिन OPD नहीं है तो कंसर्न विभाग के डॉक्टरों को बुला के दिखा दें, बेड खाली नहीं है तो हम बेड की उपलब्धता तक स्ट्रेचर पर रख के उनका ट्रीटमेंट करें। लेकिन तीमारदार इस बातों को अन्यथा ले लेते हैं। वो इस बात को ये समझते हैं कि अब मैं एक्सरे में जाऊं तो वहाँ भी मुझे प्रायोरिटी मिले, ब्लड जांच के लिए जाऊं तो वहाँ भी प्रायोरिटी मिले, CT स्कैन के लिए जाऊं तो वहाँ भी प्रायोरिटी मिले। तो इससे हमारे जो बाकी मरीज और बाकी जो तीमारदार हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जो मरीज या तीमारदार आधे घंटे से किसी जाँच के लिए या एक्सरे के लिए कतार में खड़ा है और हर एक 10 मिनट के बाद एक VIP पर्ची अटेंड होगा, तो उन मरीजों को या उन तीमारदारों को समय और चिकित्सा दोनों में दिक्कत महसूस होती है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।